गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी अवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी वी आर गोइंग सी फैमिली ओके लेट्स सी केतन की फैमिली में कितने लोग हैं ठीक है केतन लिव्स विथ हिज फादर अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद Ketan and his brothers have uh, come to Ahmedabad to study. His father and uncle work here. Everybody does the household work together. Food cooked by Ketan's kaka is uh, liked by everyone. Ketan's father does the shopping. A part of the money earned is sent to Ketan's dada, grandfather. In the village, Ketan's mother, dada dadi, uh, that means grandmother and uh, grandfather. काकी एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द व विलेज वंस अ ईयर कीतन गोज टू हिज विलेज हिज मदर इज़ लिविंग इन विलेज केतन लिवज इन अहमदाबाद अब ये जो केतन है ये केतन अपने फादर के साथ और अंकल के साथ अहमदाबाद में रहता था एंड कजिन ब्रदर्स ऑल्सो इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद केतन एंड हिज ब्रदर्स हैव कम टू अहमदाबाद टू स्टडी वो केतन एंड केतन का जो कज़िन है वो दोनों भी अहमदाबाद uh, में आते थे स्टडी के लिए और उसके पापा और अंकल जो है वो uh, वहाँ पे काम करते थे ठीक है uh, सब जो है uh, मिल के हाउस होल्ड वर्क करते थे साथ में ही जो घर का काम था वो uh, मिल के ही करते थे uh, और केतन के काका जो है वो फूड बनाते थे खाना वही बनाते थे जो कि सबको बहुत पसंद आता था एंड uh, केतन के फा फादर uh, जो है वो uh, जो हाउस होल्ड के लिए जो भी सामान लगता है जो शॉपिंग uh, होता है वो करने जाते थे एंड ये फादर एंड अंकल केतन के जो भी कमाते थे उसका कुछ पार्ट जो है वो ग्रैंड uh, फादर को यानी कि दादा को गांव में uh, भेजते थे वहाँ पे गांव में केतन की मदर दादा दादी एंड काका सॉरी काकी एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रहते थे ठीक है ये लोग सारे गांव में रहते थे इवन काका केतन की मम्मी जो है वो भी गांव में ही रहती थी वंस ईयर साल में कभी एक बार केतन आ, जो है वो विलेज जाता था उसकी आ, मदर आ, को मिलने ठीक है नाउ ही मिसिज हिज मदर वेरी मच ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर वो अपनी मम्मी को केतन जो है वो अपनी मम्मी को बहुत मिस करता था तो केतन अपनी मम्मी को बहुत बड़ा लॉन्ग ऐसे अ, लेटर भी लिखता था ठीक है नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चनस है वो देखेंगे थिंक एंड टेल फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू केतन फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर केतन के फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट में रहते थे तो आंसर विल बी केतन मिससेज हिज मदर वेरी मच ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर किससे कनेक्ट रहते थे तो केतन जो है वो अपनी मदर को बहुत बड़ा uh, ऐसे लॉन्ग लेटर लिखता था वंस अ ईयर केतन गोज टू हिज विलेज टू विजिट हिज फैमिली दिस इज द वे द फैमिली मेंबर्स कीप इन टच विथ ईच अदर और साल में एक बार केतन जो है वो अपने विलेज में जाता था अपनी फैमिली को मिलने के लिए ऐसे तरीके से वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे ठीक है वैसे कांटेक्ट करते थे नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच मेम्बर्स ऑफ केतंस फैमिली लिव इन द सिटी एंड इन द विलेज वाई यानी केतन की फैमिली के आ, कौन से मेंबर्स जो है वो सिटी में रहते थे और कौन मेंबर्स विलेज में रहते थे और वो क्यों रहते थे तो केतन लिव्स विथ हिज फादर अंकल एंड कजिन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन अहमदाबाद तो अहमदाबाद में कौन रहता था केतन केतन के फादर अंकल और उसके कजिन ब्रदर्स वो साथ में रहते थे अहमदाबाद में एंड केतन एंड हिज ब्रदर्स हैव कम हियर टू स्टडी केतन एंड केतन का जो कजिन है वो अहमदाबाद में स्टडी के लिए भी आता था एंड uh, जो केतन के फादर एंड अंकल जो है वो अहमदाबाद में वर्क करते थे तो ये लोग सारे सिटी में रहते थे एंड केतंस मदर दादा दादी आ, काकी एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये सारे कहाँ रहते थे पैटर्नल हाउस इन द विलेज यानी पापा के आ, आ, घर में यानी जहाँ दादा दादी वगैरह रहते हैं वो सारे आ, केतन की मम्मी आ, काकी काका सॉरी काकी एंड यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स एंड दादा दादी ये सारे जो थे वो विलेज में रहते थे नाउ नेक्स्ट फैमिली इज कृष्णा एंड कावेरी फैमिली अब कृष्णा एंड कावेरी की फैमिली के बारे में हम लोग देखते हैं कृष्णा एंड कावेरी लिव विथ देयर फादर कृष्णा एंड कावेरी अपने फादर के साथ रहते थे हिज मदर लिवज इन अदर सिटी उनकी मम्मी अदर सिटी में रहती थी इन द मॉर्निंग ऑल द थ्री लिव होम टूगेदर सुबह सुबह ही ये जो तीन लोग हैंट इज़ कृष्णा कावेरी एंड उसके फादर वो सुबह ही uh, घर से चले जाते थे घर से बाहर निकल जाते थे कृष्णा लिव्स कावेरी एट स्कूल कृष्णा जो है वो कावेरी को स्कूल ड्रॉप करके देता था एंड गोज टू कॉलेज फिर वो अपने कॉलेज जाता था देयर फादर गोज़ टू द शॉप ड्यूरिंग द डे उनके जो फादर है वो सुबह ही अपने शॉप uh, पे चले जाते थे कावेरी रिटर्न फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून कावेरी कावेरी जो है वो दोपहर को स्कूल से वापस आती थी शी अनलॉक द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा वो घर खोलती थी लॉक खोलती थी घर का और कृष्णा की वेट करती थी ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी इट टूगेदर जब कृष्णा भी है जो कॉलेज से रिटर्न आता था उसके बाद कृष्णा और कावेरी जो है वो साथ में ही खाना खाते थे कावेरी गोज़ आउट टू प्ले आफ्टर कम्प्लीटिंग हर स्कूल वर्क कावेरी का होमवर्क कम्प्लीट होने के बाद वो uh, खेलने के लिए जाती थी ऑन रिटर्निंग शी इधर प्लेज कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचेज टेलीविज़न जब वो रिटर्न आती थी कावेरी जब घर पे वापस आती थी खेल के uh, उसके बाद वो अपने भाई के साथ कैरम खेलती थी या फिर टी uh, वी uh, देखती थी वैन फादर रिटर्न होम दे कुक फूड एंड देन ईट टूगेदर जब उनके पापा घर आते थे uh, वो आने के बाद में कुक uh, करते थे मैन खाना पकाते थे और वो सब तीनों भी साथ में खाना खाने बैठते हैं ड्यूरिंग वेकेशंस कावेरी गोज़ टू तो स्टे विथ हर मदर वेकेशन्स uh, जब भी कावेरी को लगती थी तो कावेरी uh, अपने मम्मी के यहाँ पे रहने के लिए जाती थी कृष्णा ऑल्सो स्टेज देयर फॉर अ फ्यू डेज कृष्णा भी उसके साथ जाता था लेकिन वो कुछ देर दिन ही रहता था बट ही लाइक्स टू स्टे इन हीज ओन हाउस लेकिन कृष्णा को जो है अपने घर में ही रहना बहुत पसंद था अपने घर में आने के जहाँ पे वो वर्किंग uh, था या पे जहाँ पे वो कॉलेज uh, जिस सिटी में जाता था सिटी से जाता था वहीं पर uh, उसको रहना बहुत पसंद था तो वो अपनी मम्मी के यहाँ पे कुछ दिन ही रहता था ठीक है ऑल हिज थिंग्स एंड हिज फादर आर हियर उसकी सारी चीज़ें और पापा जो है वो uh, जहाँ पे uh, उनका शॉप है वर्किंग है वहीं पे रहते थे डैट मीन्स कि जहाँ पे कृष्णा कावेरी और उसके फादर जहाँ पे जो सिटी में रहते थे वहीं पे uh, कृष्णा को ज़्यादा पसंद था रहना और उसकी सारी चीज़ें और इवन पापा भी वहीं पे रहते थे नाउ हियर आर अगेन सम क्वेश्चन थिंक एंड टेल जो कि कृष्णा एंड कावेरी का हम लोगों ने अभी फैमिली के बारे में देखा उसके ऊपर क्वेश्चन है हाउ डज़ कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर कृष्णा जो है वो अपनी सिस्टर की केयर कैसे करता था तो कृष्णा लिवस कावेरी एट स्कूल जस्ट बिफोर ही गोज़ टू कॉलेज कृष्णा जो है वो कावेरी को स्कूल पहुँचा के देता था uh, और फिर उसके बाद वो कॉलेज जाता था ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी इट डेयर फूड टुगेदर जब कृष्णा कॉलेज से रिटर्न जब घर जाता था उसके बाद ही वो कावेरी और कृष्णा जो है वो साथ में ही खाना खाते थे दैट यानी कि कृष्णा जो है वो कावेरी को परोस के देगा उसके बाद में वो दोनों भी बैठ के खाना खाएंगे लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटीज आर डन टुगेदर इन द फैमिली कौन सी एक्टिविटीज जो है वो तीनों साथ में ही करते थे तीनों स, लोग साथ में ही न, करते थे तो आंसर विल बी कृष्णा कावेरी एंड देयर फादर लिव टुगेदर वो तीनों साथ में ही रहते थे इन द मॉर्निंग ऑल ऑफ देम लिव होम टुगेदर वो साथ में ही घर छोड़ देते थे यानी सुबह वो अपने अपने पढ़ाई के लिए या काम के लिए निकल जाते थे व्हेन देयर फादर रिटर्न होम इन द इवनिंग दे कुक एंड ईट फूड टुगेदर जब उनके पापा शॉप से रिटर्न आते थे इवनिंग में उसके बाद वो खाना बनाते थे और वो तीनों साथ में ही बैठ के खाते थे तो ये साथ में आ, काम ये लोग करते थे ओके नाउ यू हैव रीड अबाउट सम फैमिलीज यू डिस्कस सम क्वेश्चन ऑल्सो व्हाट इज़ अ फैमिली वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज यू मस्ट हैव फॉर्म योर ओन ओपिनियन अबाउट दिस बाय नाउ यानी आपने अभी जो ये लेसन में हम लोगों ने काफ़ी फैमिलीज के बारे में देखा ठीक है uh, एंड सम क्वेश्चन जो है वो भी कुछ डिस्कस uh, किए हम लोगों ने ठीक है वो फैमिली के बारे में अब हमें पता uh, हो गया मोस्ट ऑफ की वॉट इज़ अ फैमिली फैमिली क्या होती है तो वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज और डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज भी कैसे होती है वो भी हमें पता चल गया है तो आप अपने खुद uh, का ओपिनियन आप बता सकते हो uh, कि अबाउट दिस बाई नाउ यानि फैमिली कैसी होनी चाहिए कैसी है फैमिली का डेफिनेशन क्या है एंड ऑल दैट ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन uh, uh, पूछे गया है जैसे थिंक एंड टेल डिस्कस अबाउट द फैमिलीज गिवन हियर अब यहाँ पे जो फैमिलीज दिया है उसके ऊपर डिस्कस तो हम लोगों ने कर लिया बट uh, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए फिर से बोला हुआ है ठीक है तो आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट टिक ऑन दोज सेंटेंसेस विच टेल द वेरियस थिंग्स दैट हैपन इन योर फैमिली यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें से आपको वही सेंटेंस को टिक uh, आउट करना है जो कि आपकी फैमिली में ये होता है ठीक है जैसे फर्स्ट वन इज ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली आर वर्किंग यहाँ पे मैंने टिक नहीं किया है बिकॉज फैमिली uh, के जो सारे मेम्बर्स है वो सारे मेम्बर्स वर्किंग नहीं है ओके okay? तो मैंने यहाँ पे राइट uh, टिक right नहीं किया है सेकंड सेकंड पॉइंट इज़ द फैमिली मेंबर्स लव इच अदर वेरी मच यस इट्स ट्रू यहाँ पे मैंने राइट uh, टिक right किया है कि फैमिली के मेम्बर्स जो है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं थर्ड सेंटेंस इज़ एल्डर्स इन द फैमिली ऑन मनी फॉर द फैमिली जो फैमिली के बड़े लोग हैं वो फैमिली के लिए पैसा कमाते हैं येस yes, यहाँ पे राइट right टिक किया है नेक्स्ट इज़ फैमिली मेम्बर्स ऑफ फन लिव टूगेदर इन द सेम हाउस तो यस फैमिली मेंबर्स जो है वो साथ में ही रहते हैं सेम हाउस में इट्स ये बराबर राइट किया हुआ है मैंने देन ऑल फैमिली मेंबर्स आर ऑफन विजिट इच अदर यानी सब फैमिली मेंबर्स जो है वो हमेशा ही एक दूसरे को विजिट करते हैं मिलते हैं तो यस इट्स ऑल्सो ट्रू ये भी होता है हमारे फैमिली uh, में है ना देन नेक्स्ट फैमिली मेम्बर्स स्टे टूगेदर इवन इफ देयर इज़ अ फाइट अमॉन्स डेमसेल्स चाहे फैमिली मेम्बर्स में कितना भी झगड़ा हुआ है तो भी सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं यस yes, यहाँ पे भी मैंने राइट टिक किया है इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल आर टेकन केयर ऑफ फैमिली में जो बच्चे हैं या फिर ओल्ड पीपल्स हैं उनका बहुत ख्याल रखा जाता है So yes, टिक है मैंने स्पेस प्रोवाइडेड uh, अभी हमें हमारी फैमिली के बारे में और कुछ चीजें जो है वो सोच के यहाँ पे लिखनी है जैसे मैंने यहाँ लिखा है द एल्डर्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी फॉर द एंटायर फैमिली यानी फैमिली के जो बड़े लोग हैं वो फैमिली uh, के लिए पैसा कमाने के पैसा कमाते हैं ठीक है थीके? उसके लिए बहुत हार्डवर्क भी करते हैं दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड हाउस होल्ड चोर्स एट होम वो घर की सारी चीज़ें या फिर uh, क्या घर में चाहिए या फिर बड़े छोटे वो सब की केयर भी करते हैं देन दे लव इच अदर एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर एंड स्पेंड क्वालिटी सॉरी दे लव इच अदर एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और uh, जो uh, अपना जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो फैमिली uh, के मेम्बर्स के साथ बिताते हैं एंड एस्पेश चिल्ड्रन एंड ओल्ड मेम्बरीज मेम्बर्स तो ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस uh, किसके लिए स्पेंड करते हैं अपना तो चिल्ड्रन और ओल्ड मेम्बर्स के साथ ओके नाउ सीधाज फैमिली ट्री अब यहाँ पे सीता के फैमिली के बारे में यहाँ पे आ, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है तो भी सीता के फैमिली फैमिली में कौन कौन लोग हैं तो उसका एक फैमिली ट्री बनाया है लेट्स सी कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री ये जो फैमिली है वो फैमिली आ, ट्री आ, में कैसे फॉर्म होता है यानी कि आ, जिसे हम बोलते हैं फैमिली ट्री जो कि हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं सेकेंड स्टैंडर्ड में भी इवन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं ओके सीताज फैमिली ट्री इज ड्रॉन हियर ड्रॉ योर फैमिली ट्री इन द नोटबुक फॉर दिस टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स हैव अ लुक एट सीताज फैमिली ट्री इट कैन हेल्प इन क्रिएटिंग योर ओन फैमिली ट्री आपको भी क्या करना है आपके फैमिली ट्री uh, आपको भी ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में उसके लिए आपको आपके बड़ों की हेल्प लेना है पेरेंट्स की या फिर uh, आपके एल्डर ब्रदर uh, सिस्टर है ना और सीता की फैमिली ट्री जो है वैसे ही आपको देख के आपकी फैमिली ट्री बनानी है नाउ नेक्स्ट फैमिली ट्री अब यहाँ पे सीता की की फैमिली ट्री ड्रॉ हुई है आ, यहाँ पे दिया है वन साइड एक ब्रैकेट में सॉरी इट्स बॉक्स में दिया है दादा एंड दादी तो आप देखिए इसको एक लाइन में कनेक्ट किया हुआ एक लाइन से ठीक है फिर दादा दादी आ, के जो बच्चे हैं वो है आ, यंगर काका पैटर्नल अंकल जिसे हम बोलते हैं देन है फोई यानी आपकी बुआ और फिर आ, एक एल्डर काका भी है एंड पापा ये चार उनके बच्चे हैं ठीक है यानि पापा आ, सीता के पापा फिर उनके आ, एल्डर काका यंगर काका एंड फोई ठीक है उनकी बहन यानी तीन लड़के और एक लड़के ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ठीक है देन एल्डर काका का, जो एल्डर काका का जो है उनका मैरिज हो गया है तो एल्डर काका एंड का एल्डर काकी ऐसे एक लाइन से कनेक्ट किया है और उनका नीचे फिर से ड्रॉ करके तीन बॉक्सेस बना है वो है उनके तीन बच्चे बट ये तीन बच्चों का नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये लेसन में वो तीन चिल्ड्रंस का नाम मेंशन किया नहीं है ठीक है तो उन्हें है वो तीन बच्चे राइट देन सीता के जो पापा है तो पापा एंड माँ उसको एक लाइन में कनेक्ट किया हुआ है दिख रहा है आपको पापा एंड uh, मम्मा उनके बच्चे कितने हैं तो दो ही गर्ल्स हैं उनको एक है सीता और सीता की बहन गीता राइट ऐसा उनका फैमिली ट्री ड्रॉ किया हुआ है तो नीचे वैसे भी स्पेस है योर फैमिली ट्री तो आपका आपको भी दादा एंड दादी आ, आपके है दादा दादी को कितने बच्चे हैं टोटल मिला के आपके पापा को मिला के आ, कितने बहन और भाई है आपके पापा को वो ड्रॉ करना है आ, देन आ, 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 आपके अंकल को कितने बच्चे हैं वैसे ड्रॉ करके उनका नाम लिखना है तो इसके लिए आप आपके पेरेंट्स की हेल्प लोगे एंड आपको ये नोटबुक में ट्री डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सफिशियंट स्पेस है वहाँ पे आप ये ड्रॉ करोगे आपका फैमिली ट्री फाइन सो हियर इज अवर पार्ट टू आल्सो कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर ट्वेंटी इज फिनिश हियर ओके सो योर होमवर्क इज ये जो मैंने टेक्स्ट बुक में आपको लिख के दिया है कुछ क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह वो आपको सेम टेक्स्ट बुक में करना है आपके एंड यहाँ पर फैमिली ट्री भी पूछा गया है वो भी आपको ड्रॉ करना है एंड रीड दिस चैप्टर ऑल्सो फाइन सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्सरसाइज बट आफ्टर आवर एफ ए थ्री एग्ज़ाम ओके यहाँ तक कि हम लोग uh, अभी फिलहाल देखते हैं एक्सरसाइज जो है वो हम हमारी एफ ए थ्री एग्ज़ाम के बाद में स्टार्ट करेंगे फाइन सो सी सुन Till then take care, bye bye.